हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक मोर्टार्स एंड प्लास्टर्स। तो आज के वीडियो पे बने रहिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, मोर्टार का क्या होता है। द कंस्ट्रक्शन यूनिट्स लाइक ब्रिक्स स्टोन्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय अ थिन पेस्ट कॉल मोर्टार। जो भी कंस्ट्रक्शन या फिर मैसनरी यूनिट्स बोल सकते हैं, ब्रिक्स हो गया, स्टोन्स हो गया, वो कैसे बॉन्ड होती है, एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती है विद द हेल्प ऑफ मोर्टार। अब मोर्टार होता क्या है? मोर्टार इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सीमेंटेशियस मटेरियल। सीमेंटेशियस मटेरियल भी बोला जाता है मोर्टार को, और ये मिक्सचर किसका होता है? सीमेंट, सैंड और वाटर का। यहाँ पे जो मेन सीमेंटिंग मटेरियल होता है वो होता है पोर्टलैंड सीमेंट या फिर लाइम। अब देखते हैं प्लास्टर क्या होता है। प्लास्टर इज अ लीन मोर्टार। प्लास्टर क्या होता है तो मोर्टार ही बट लीन मोर्टार है। दैट इज प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक यूज, दैट इज प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑन द इनर एंड आउटर फेसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो भी इनर या फिर आउटर फेस ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि वॉल्स, वहाँ पे उसे प्रोटेक्टिव कवरिंग देने के लिए जो मिक्सचर यूज करा जाता है उसे कहते हैं प्लास्टर। और प्लास्टर क्या होता है? प्लास्टर इज अ लीन मोर्टार। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ मोर्टार। मोर्टार के क्या क्या फंक्शंस हैं? पहला है, इट प्रोवाइड्स अ बाइंडिंग फोर्स और कोहेजन बिटवीन मैसनरी यूनिट्स। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो कि मैसनरी यूनिट्स हैं, जैसे कि स्टोन्स है या फिर ब्रिक्स हैं, उसे हम जोड़ के कैसे रखेंगे? उसे हम जोड़ के रखेंगे विद द हेल्प ऑफ मोर्टार। तो यानी कि वहाँ पर मोर्टार कैसे काम करेगा? एज अ बाइंडिंग फोर्स, क्योंकि वो उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना रहा है, उसे पकड़ के रख रहा है एक फोर्स के थ्रू। और वो फोर्स क्या होता है? या तो कोहेसिव फोर्स यानी कि कोहेजन हम बोल सकते हैं, या फिर बाइंडिंग फोर्स बोल सकते हैं। तो दो मैसनरी यूनिट्स एक बाइंडिंग फोर्स के द्वारा पकड़ी रही जाती हैं, और वो बाइंडिंग फोर्स देने का काम कौन करता है? वो करता है मोर्टार। सेकेंड है, इट एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग फोर्सेस। वो एक मीडियम की तरह काम करता है फोर्सेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का थ्रू आउट द स्ट्रक्चर, या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने का थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। वो काम करता है मोर्टार, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ लोड का तो बिल्डिंग जो है गिर सकती है। कहीं पे ज़्यादा फोर्स होगा और कोई फेस पे कम फोर्स होगा बिल्डिंग पे, तो वो बिल्डिंग अनइवन हो जाएगी, वो गिर जाएगी। कोई भी एक फोर्स आ गया, जैसे कि विंड फोर्स आ गया, तो वो बिल्डिंग झटक से गिर जाएगी। इसीलिए इक्वली हमें फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है थ्रू आउट द बिल्डिंग, और वो काम करता है मोर्टार। थर्ड है, इम्पार्टिंग एडिशनल स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेदरिंग एक्शंस। वेदरिंग एक्शंस के अगेंस्ट जो एडिशनल स्ट्रेंथ देता है वो कौन देता है? मोर्टार देता है, क्योंकि वो बिल्डिंग को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बिल्डिंग को ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसलिए इसका थर्ड फंक्शन क्या हो गया? एडिशनल स्ट्रेंथ देना। अब आते हैं क्वालिटी ऑफ मोर्टार पे। मोर्टार की कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? पहला क्या है? मोर्टार मिक्स शुड बी ईजीली वर्केबल। ईजीली वर्केबल क्या होता है कि हम उसे वर्क ईजीली कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा काठा यानी कि टू स्टिफ, ना कि ज़्यादा स्टिफ होना चाहिए, और ना ही ज़्यादा लीन यानी कि पतला होना चाहिए। इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि हम उसे ईजीली प्लेस कर सकें। तो इतना उसका कंसिस्टेंसी होना चाहिए कि ईजीली हम या तो उसे प्लेस कर सकें या फिर उसे डिसप्लेस कर सकें। ठीक है, तो ये हो गया इजीली वर्केबल, पहला इसका पॉइंट। सेकंड है, मोर्टार शुड बी सफिशिएंटली प्लास्टिक सो एज टू गेट प्लेस्ड ऑन बेड ऑफ कंस्ट्रक्शन इन फॉर्म ऑफ अ थिन स्मूथ एंड यूनिफॉर्म लेयर। जो मोर्टार है वो सफिशिएंटली प्लास्टिक होना चाहिए, कोई भी शेप में वो ढल जाना चाहिए, ना स्टिफ नहीं होगा, लीन नहीं होगा। कंसिस्टेंसी अगर उसकी प्रॉपर होगी तो मोर्टार भी प्लास्टिक होगा। थर्ड है, इट शुड सेट एंड हार्डन क्विकली सो दैट कंस्ट्रक्शन कैन बी डन विद स्पीड। अब जो मोर्टार है अगर वो सेट होने में या फिर हार्ड होने में टाइम लगाएगा तो उससे क्या होगा? कंस्ट्रक्शन की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। जैसे कि अभी कोरोना काल में हो रही है, बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है कंस्ट्रक्शन। वो मोर्टार का तो गलती नहीं है, कोरोना का गलती है। बट अगर मोर्टार की बात करें तो मोर्टार भी ऐसे ही करेगा तो कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमें नहीं करना है, कंस्ट्रक्शन को फास्ट करना है। फोर्थ इज, शुड नॉट डेवलप एनी क्रैक्स। क्रैक्स नहीं आने चाहिए बिल्डिंग में, क्योंकि अगर क्रैक्स आ गए तो बिल्डिंग की ड्यूरेबिलिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लाइफ ऑफ बिल्डिंग कम हो जाएगी,
जैसे हमारे अभी करियर में क्रैक आ गया है कोरोना की वजह से, दरार की तरह एक करियर में क्रैक आ गया है, कुछ अता पता नहीं है क्या करना है क्या होगा आगे। तो वैसे ही अगर बिल्डिंग में हो गया तो बिल्डिंग का भी कुछ अता पता नहीं रहेगा कि कैसे रहेगी बिल्डिंग, क्या होगा आगे, या फिर अभी क्या पल भर में गिर जाए, इसीलिए क्रैक नहीं आना चाहिए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मोर्टार पे। टाइप्स ऑफ मोर्टार कितने होते हैं? कुल 5 टाइप के मोर्टार होते हैं। पहला है लाइम मोर्टार, दूसरा है सीमेंट मोर्टार, थर्ड है सुर्खी मोर्टार, फोर्थ है जिप्सम मोर्टार एंड फिफ्थ है गेस्ड मोर्टार। अब ये 5 टाइप के मोर्टार हैं, एक एक करके देखते हैं कि ये मोर्टार का कंपोजिशन क्या होता है, कैसे बने होते हैं ये। तो पहला है लाइम मोर्टार। लाइम मोर्टार में नाम से समझ आ रहा है कि इसका कंपोजिशन जो होगा, मेन कंपोजिशन वो होगा लाइम। अब लाइम कौन से टाइप का होगा? या तो फैट लाइम होगा या फिर हाइड्रोलिक लाइम होगा। अब ये जो लाइम होते हैं ये एज अ बाइंडिंग मटेरियल एक्ट करते हैं, यानी कि बाइंड करने के काम करते हैं, इसलिए ये मोर्टार में यूज़ होते हैं। अब फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, कैसे बनते हैं ये लाइम्स और क्या क्या इन लाइम की प्रॉपर्टी होती है, ये जानने के लिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा जो कि ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा। आई बटन पे जाके आप वीडियो देखिए, पूरा का पूरा लाइम पे मैंने एक वीडियो बना रखा है। और अगर आपको कोई वीडियो ना मिले तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। अब आते हैं सुर्खी मोर्टार पे, सेकेंड टाइप का मोर्टार जो होता है। सुर्खी मोर्टार क्या है? इट इज़ एन ऑर्डनरी टाइप ऑफ मोर्टार। ऑर्डनरी मोर्टार है सुर्खी मोर्टार, जहाँ पे सैंड की जगह पार्शली या फिर होली सैंड को रिप्लेस कर देते हैं सुर्खी से। अब सुर्खी क्या होती है? सुर्खी होती है बर्न्ड ब्रिक। बर्न्ड ब्रिक जो ओवर बर्न्ड ब्रिक्स हो जाते हैं, जैसे भट्टी में जब हम जलाते हैं ब्रिक्स को, जो भी बर्निंग प्रोसेस होता है, तो उसमें जो नीचे की लेयर होती हैं वो ओवर बर्न हो जाती है। उसी ओवर बर्न ब्रिक्स को हम वेस्ट नहीं करते हैं, फेंकते नहीं हैं, उसे हम मोर्टार में यूज़ करते हैं, उसका पाउडर बना देते हैं बर्न ब्रिक्स का, और वो एज अ फिलिंग मटेरियल काम आता है, फिलिंग मटेरियल इन लाइम मोर्टार। अब जो सुर्खी है उसे हम लाइम के साथ ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सीमेंट के कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ सुर्खी रिएक्टिव होती है। जिप्सम मोर्टार, जिप्सम मोर्टार क्या होता है? इसका मेन जो कंपोजिशन है वो है जिप्सम, CaSO4.2H2O, जिप्सम का फॉर्मूला है, और वो टफ कंस्ट्रक्शन में काम आता है। जिप्सम टफ कंस्ट्रक्शन में क्यों काम आता है, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जिप्सम में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत ही जल्दी सेट हो सकता है और बहुत ही जल्दी हार्ड हो सकता है। कहीं पे उसको प्लेस कर दिया आपने तो विद इन नो टाइम वो सेट और हार्ड बहुत जल्दी हो जाएगा। जिप्सम में क्या होता है, एट दैट टाइम ही तभी उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी, तभी वो इतना हार्ड हो जाएगा कि उसको हटाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए टफ कंस्ट्रक्शन में ब्रिजेस का या फिर हाईवेज का, वहाँ पे हम जिप्सम मोर्टार यूज़ कर सकते हैं, और जिप्सम एज अ बाइंडिंग मटेरियल भी काम करता है। अब है गेस्ड मोर्टार। गेस्ड मोर्टार क्या होता है? इट इज़ मेड बाय मिक्सिंग पोर्टलैंड सीमेंट एंड लाइम टुगेदर। पोर्टलैंड सीमेंट, लाइम, ठीक है, ये दोनों चीज़ें, और सैंड और वाटर, इन चारों का जो मिक्सचर बनेगा उसको बोलते हैं गेस्ड मोर्टार। और जो यहाँ पे लाइम और सीमेंट है, पोर्टलैंड सीमेंट, इन दोनों को एक फिक्स प्रोपोर्शन में, एक डिटरमाइंड प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं। अब आते हैं प्लास्टर्स पे। प्लास्टर्स आर डिफाइंड एज लीन्ड मोर्टार। लीन्ड मोर्टार यहाँ क्या होता है, यानी कि पतला मोर्टार, यानी यहाँ पे फाइंड सैंड को यूज़ करा जाता है। प्लास्टर और मोर्टार में मेन डिफरेंस क्या है कि मोर्टार में मोटी सैंड को यूज़ कर सकते हैं, और जो प्लास्टर है उसमें हम फाइन सैंड को ही यूज़ करेंगे, क्योंकि प्लास्टर दोनों तरीके से काम आता है, एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग भी और एज अ डेकोरेटिव पर्पस भी काम आता है। प्रोटेक्टिव कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवर किसको देता है? मैसनरी सरफेस को। जो भी मैसनरी सरफेस है, ब्रिक्स है, स्टोन्स है, इसको जो प्रोटेक्टिव कवरिंग देगा वो देगा प्लास्टर। और जो डेकोरेटिव प्लास्टर है वो कैसे काम आएगा? डेकोरेशंस के काम आएगा, जो डेकोरेशंस हम देखते हैं उसमें काम आएगा। एंड प्लास्टर इज मेड बाय सीमेंटिंग मटेरियल्स विद फिलर्स। सीमेंटिंग मटेरियल यानी कि सीमेंट इसमें मेन कंपोजिशन होता है, और फिलर्स क्या यूज़ होंगे? सेकेंडरी कंपाउंड क्या होंगे? सैंड, सुर्खी या फिर क्रश स्टोन्स। और इन दोनों को मिक्स कैसे करेंगे? वाटर से, मतलब सीमेंट, सैंड और वाटर, लाइम, सैंड और वाटर। सीमेंट के साथ सुर्खी यूज़ नहीं होगी, इसीलिए लाइम, सुर्खी और वाटर, सीमेंट, क्रश स्टोन या वाटर, या फिर लाइम, क्रश स्टोन या फिर वाटर, ये मिक्सचर होंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टर पे। टाइप्स ऑफ प्लास्टर भी 5 टाइप के प्लास्टर हैं। पहला है लाइम प्लास्टर, सेकंड है मोगुल प्लास्टर, थर्ड है सीमेंट प्लास्टर, फोर्थ है ग्रेनाइटिंग प्लास्टर्स एंड फिफ्थ है जिप्सम प्लास्टर्स। ठीक है, ये 5 टाइप के प्लास्टर्स हैं। तो पहला है लाइम प्लास्टर। इसमें क्या होता है
इसमें स्लेक्ड लाइम और सैंड को मिक्स करते हैं। यहाँ पे फैट या फिर हाइड्रोलिक लाइम यूज़ नहीं होगी, जिनका रेशियो होता है 1:2 या फिर 1:3, यानी कि 1 part ऑफ लाइम एंड 2 part ऑफ सैंड, या फिर 1 part ऑफ लाइम एंड 3 part ऑफ सैंड। ये हो गया लाइम प्लास्टर। सेकेंड आते हैं मोगुल प्लास्टर पे। व्हाट इज मोगुल प्लास्टर? मोगुल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टर्स विच इज मेड बाय 1 part ऑफ लाइम, 3 part ऑफ सैंड एंड 1 part ऑफ सुर्खी। यहाँ पे सैंड और सुर्खी दोनों यूज़ करेंगे। जैसे पहले था सुर्खी मोर्टार, और यहाँ पे उस प्लास्टर का नाम है जहाँ पे सैंड और सुर्खी दोनों एक साथ यूज़ हो रहे हैं, उस प्लास्टर का नाम है मोगुल प्लास्टर। यहाँ पे भी सैंड को पार्शली रिप्लेस करेंगे सुर्खी से, यानी कि 3 part ऑफ सैंड है तो 1 part ऑफ सुर्खी यूज़ कर रहे हैं। टू विच सम जैगरी वाइट ऑफ एग्स और सम फाइबरस मटेरियल्स आर कम्बाइंड। तो सीमेंट प्लास्टर है हमारा थर्ड टाइप। ये प्लास्टर कैसे बना होता है? इट इज़ मेड बाय मिक्सिंग पोर्टलैंड सीमेंट, सैंड एंड वाटर। ये 3 मिक्सचर है, सीमेंट, सैंड और वाटर, जहाँ पे सीमेंट और सैंड का रेशियो क्या क्या है, 1:6 है फॉर एक्सटर्नल प्लास्टर बिलो DPC और 2:9 है ऑन वॉल्स। फोर्थ इज ग्यूनेटिंग प्लास्टर। ग्यूनेटिंग प्लास्टर क्या है? सेम है, सीमेंट प्लास्टर ही है, पर यहाँ पे इसको अप्लाई करने का तरीका अलग है। यहाँ पे एक गन होती है, गन के अंदर हम मिक्सचर को डालते हैं, सीमेंट, सैंड और वाटर के मिक्सचर को डालते हैं गन के अंदर, और विद द हेल्प ऑफ गन हम प्लास्टर को अप्लाई करते हैं। और उस गन का प्रेशर कितना होगा? 2.5 kg/cm². इतने प्रेशर से हम कंटिन्यूसली प्लास्टर को अप्लाई करते हैं वॉल्स पे। अगर ग्यूनेटिंग से याद नहीं आ रहा हो कि ये कुछ अलग टाइप का प्लास्टर है, तो सीधे 3 लेटर्स याद रख लेना, वो है GUN, जो कि इसके स्टार्टिंग में है ग्यूनेटिंग के, और GUN क्या होता है? गन। तो यहाँ से याद रख लेना कि गन वाला जो प्लास्टर होगा, यानी कि गन के अंदर जो प्लास्टर डालेंगे फिर अप्लाई करेंगे, उसको बोलते हैं ग्यूनेटिंग प्लास्टर। और अप्लाई कैसे होगा? कंप्रेस्ड एयर, क्योंकि प्रेशर डालना है तो एयर प्रेशर हम डालेंगे। तो प्रेशर कितना? 2.5 kg/cm², और वो प्रेशर कहाँ से आएगा? कंप्रेस्ड एयर से। फिफ्थ है जिप्सम प्लास्टर। जिप्सम प्लास्टर जैसे कि जिप्सम मोर्टार था, वैसे ही जिप्सम प्लास्टर है। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? CSO4.2H2O। तो ये जिप्सम का फॉर्मूला है। और जिप्सम प्लास्टर भी कैसे काम आता है? एज अ बाइंडिंग मटेरियल काम आता है इन प्लेस ऑफ सीमेंट और लाइम। और जिप्सम प्लास्टर्स आर यूज फॉर मेकिंग आर्किटेक्चरल फैंसीज एंड डेकोरेटिव डिजाइंस ऑन रूफ्स एंड वॉल। अब रूफ पे जिप्सम प्लास्टर को ही क्यों यूज़ करते हैं? इसका मेन रीज़न जो मैंने पहले ही बताया था वो है कि ये बहुत जल्दी सेट और हार्ड हो जाता है। इसको जैसे ही आप रखोगे वैसे ही 15-20 मिनट में ये कुल मिला के सेट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, उसके बाद इसे हटाना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए रूफ पे जब हम ऊपर छत पे इसे प्लेस करेंगे तो हम नहीं चाहेंगे जो भी प्लास्टर का हमने डेकोरेटिव पीस बनाया है छत पे वो हमारे ऊपर आके गिर जाए, ठीक है ना? वो तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इसलिए हमें कोई ऐसा मटेरियल ढूंढना होगा जो उसी टाइम सेट हो जाए। जिप्सम प्लास्टर के और भी फायदे हैं, वो क्या क्या हैं? फायर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी है उसके अंदर, इंसुलेटिव प्रॉपर्टी है टू द हीट एंड साउंड। फिर थर्ड प्रॉपर्टी जो मैंने बताई है वो है सेट एंड हार्ड क्विकली, क्विकली सेट और हार्डन हो जाता है। और फोर्थ है वो है अंडरगो वेरी लिटिल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।